आज का यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पैसा कैसे छापा जाता है और कहाँ छापता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे देश में 2000 के नोट मैसूर में छापे जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ हर साल में 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल है। टकसाल मिल देश के 4 शहरों में स्थित है, जिनमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा में शामिल है। नोट छापने के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। पेपर कैसा बनता है? पेपर बनाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े कॉटन के ब्लॉक लाए जाते हैं। इस कॉटन के ब्लॉक को अच्छी तरह से मिक्स करके पेपर के रूप में बदला जाता है। जब पेपर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसमें वाटर मार्क डाला जाता है। जैसे कि हमको पता है कि अपना जो 2000 का नोट है और या कोई भी नोट हो, उसमें गांधी जी के फोटो का वाटर मार्क डाला जाता है। यह वाटर मार्क पैसा प्रिंटिंग का पहले ही डाल दिया जाता है, जिसके बाद इस पेपर की क्वालिटी की जांच होती है। जांच करने के बाद इस पेपर पर होलोग्राम लगाया जाता है, जिसे हम तार भी कहते हैं। यह सारी क्रिया मशीन द्वारा होती है। प्रिंटिंग कैसे किया जाता है? हमारे देश में पैसा छापने की मशीनें MP के देवास, मैसूर, सालवोनो तथा नासिक में स्थित है। प्रिंटिंग के लिए बड़े बड़े पेपर के रोल को काट दे कर छोटी छोटी शीट बनाई जाती है, जिसके बाद इस पेपर पर मशीनों द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग करने के बाद नोटों की कटिंग की जाती है, जिसके बाद हमारा पैसा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। पैसा हमारे पास कैसे पहुँचता है? इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस है, जिनमें अहमदाबाद, बेलापुर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुँचाया जाता है। उसके बाद इसे अलग अलग बैंकों में बांट दिया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में पैसा कैसे छपता है और यह नोट हमारे पास कैसे पहुँचता है।